अब नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। तो किसी प्लेस की एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए लेटिट्यूड्स के अलावा दूसरी लाइंस को भी हमें इमेजिन करना पड़ेगा। कारण यह है कि जैसे लेटिट्यूड्स है ऐसे ऐसे करके होती है ईस्ट टू वेस्ट, पैरेलल्स तो होती है लेटिट्यूड्स, लेकिन एक कमी उसमें होती है कि जैसे हम पोल के पास पहुंचते हैं तो वो बहुत छोटी होती चली जाती है, यहाँ पर जाकर के जीरो हो जाती है। तो सिर्फ लेटिट्यूड को बेस मान करके हम किसी स्थान की डिस्टेंस को, उसकी लोकेशन को सही ढंग से इंडिकेट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें दूसरी लाइन इमेजिन करनी पड़ती है जिसका नाम है लॉन्गिट्यूड्स। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल में यहाँ दिखाया गया है कि हैदराबाद जो कि क्या है, हैदराबाद और इलाहाबाद दोनों जो हैं सेम लेटिट्यूड 25 डिग्री नॉर्थ पर है। तो जो लेटिट्यूड है यहां से स्टार्ट है ऐसे, तो यहां भी वही लेटिट्यूड है, यहां भी वही लेटिट्यूड है, यहां पर भी दो क्या एक लेटिट्यूड पर तमाम प्लेस जो है लोकेट होते हैं। तो एग्जैक्ट हम लोग कैसे पता पाए, एग्जैक्ट के लिए एक ऐसी लाइन हम लोग की इमेजिन करनी पड़ेगी जो उसको उस स्थान पर क्रॉस करती हो। जैसे आप समझ लीजिए कि एक ए मान लीजिए ए इक्वेटर है, तो ये 20 डिग्री कर देंगे, ये 20 डिग्री, तो 25 मान लीजिए यहां पर है, तो यहां पर एक प्लेस है नॉर्थ में ये दो सिर, तो यहां पर मान लीजिए एक पाकिस्तान वाला हो गया, ये इंडिया वाला, इमेजिन करिए, एग्जैक्ट लोकेशन में नहीं बता रहा हूं मैं इसको समझा रहा हूं, ये इंडिया का हो गया, ये कोई और प्लेस हो गया। तो आपसे कहा गया कि आप 25 डिग्री लेटिट्यूड पर जाइए तो आप उसको खोजते रह जाएंगे कहां पर है, लेकिन अगर एक दूसरी लाइन इसको क्रॉस करती हुई बता दी जाए कि आप जो है 25 डिग्री लेटिट्यूड नॉर्थ लेटिट्यूड और 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे जाइए तो आप जो है एग्जैक्ट लोकेशन इसकी पा जाते हैं। ऐसे ही कहा जाए कि 25 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड और 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर जाइए तो आप इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पा जाएंगे। अगर सिर्फ लॉन्गिट्यूड कहा जाए तब भी नहीं पाएंगे क्योंकि लॉन्गिट्यूड आपके यहां से लेके यहां तक है। तो इस तरह से लेटिट्यूड जैसे आपने पढ़ा उसी तरह से लॉन्गिट्यूड दूसरी लाइन इमेजिन की गई कि इक्वेटर से कितनी दूरी पर है। एग्जैक्ट निकालने के लिए ये लॉन्गिट्यूड बहुत ही जरूरी है, तो इसलिए इसको कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डिग्री में मापते हैं, डिग्री में जो मापते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग आवर मिनट और सेकंड कहते हैं। कभी कभी काफी बच्चे ये पूछते हैं कि इसको क्या पढ़ा जाता है, तो जैसे आपका यहाँ पर दिया नहीं है तो कॉमा कॉमा जो रहता है दो पार्ट में अगर है तो उसको मिनट जैसे और उसको आवर और मिनट में पढ़ेंगे, अगर तीसरा दिया है तो उसको सेकंड में पढ़ेंगे। तो इसको जीरो डिग्री में पर, मतलब रीड किया जाता है इसकी डिस्टेंस को। They are semicircles and our distance between them decreases steadily forwards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. तो ये देखिए, तो इनके बीच की डिस्टेंस तो बीच में बहुत ज्यादा है और जैसे जैसे पोल्स की तरफ ये बढ़ते जाते हैं इनके बीच की डिस्टेंस कम होती चली जाती है। तो जैसे कर अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड,
की बीच के डिस्टेंस नहीं कम होती है, लेटीट्यूड का ये सर्कल छोटा होता है और इनके बीच की डिस्टेंस कम होती है, इसीलिए कह रहे हैं लाइक पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड और मेरिडियंस ऑफ इक्वल लेंथ। इनकी जो है लेटीट्यूड की जो लेंथ है, ये देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी है, इक्वेटर सबसे बड़ा होता है, उसके बाद उससे छोटा होता है, उससे बाद उससे छोटा, और ये पोल के पास सबसे छोटा हो जाता है। लेकिन लॉन्गिट्यूड के साथ ऐसा नहीं है, लॉन्गिट्यूड की हर लाइंस इक्वल डिस्टेंस की होगी और लाइंस की डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं, इनकी लंबाई में कोई अंतर नहीं, दो सब जो है इक्वल, सिर्फ इनके बीच की डिस्टेंस में अंतर होगा। तो अब किसी प्लेस की लोकेशन को एग्जैक्ट जानने के लिए सारे जो स्कॉलर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने मीटिंग की कि कहां से, जब सारी पूरी अर्थ जो है राउंड है तो किस प्लेस से इसको माना जाए। तो उन्होंने ग्रीनविच जो कि आपके इंग्लैंड में है उसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान करके उसको प्राइम मेरिडियन माना गया, 0 डिग्री ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, इसको प्राइम मेरिडियन मान करके और वहीं से पूरी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये देखिए 0 डिग्री पर प्राइम मेरिडियन, यहां से इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो यहीं से अगर कोई प्लेस इधर में है तो उसको कहेंगे वेस्ट, और इस प्राइम मेरिडियन से इधर ईस्ट में है तो उसको उतना डिग्री ईस्ट कहेंगे। तो इस तरह से किसी प्लेस की लोकेशन को एग्जैक्ट बताने के लिए 2-3-4 चीजों पर जरूर ध्यान देना होगा, नॉर्थ और साउथ लेटिट्यूड, ईस्ट और वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो इस तरह से देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज फॉलोड बाय लेटिट्यूड। जैसे पीछे हमने बताया कि लेटिट्यूड में साउथ के लिए यस और नॉर्थ के लिए एम था, उसी तरह से यहां पर इंडिकेट कर रहा है कि ये लेटर ईस्ट के लिए, द लेटर ईस्ट के लिए ई, E for east and W for west। इस तरह से E और W से हम इसको इंडिकेट करते हैं किसको, longitude। और when 180 degree latitude तो होता था 90 degree तक, लेकिन ये जो है ये होता है 180 degree तक। तो अभी तो ये देखिए, now look at the grid of the parallels of latitude of and meridians of longitude on the globe, you can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude। For example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north। ye dekhiye correct 26 degree north, to ye hai 20, तो इमेजिन कर लीजिए 26 डिग्री नॉर्थ। तो देखिए अब आप लोग खुद सोचिए कि 26 डिग्री नॉर्थ, मान लीजिए ये नॉर्थ है 26 डिग्री यहाँ पर या इसके पास में, तो कहाँ पर हो सकता है आसाम, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा 26 ही है। तो इसी के लिए लॉन्गिट्यूड जरूरी था। देखिए यहाँ पर है नॉर्थ एंड 90 डिग्री ईस्ट लेटिट्यूड। अब देखिए 90 डिग्री ईस्ट लेटिट्यूड, ये नॉर्थ हो गया, अब 90 डिग्री आपका ईस्ट लेटिट्यूड, ये देखिए 60 है, 60 तो 90 और इधर आ जाएगा, 90 आपके और इधर आ जाएगा। तो इसी रेखा इसी लाइन पर आगे बढ़ाते हुए आपका यहां पर लगभग ये 90 दिया नहीं है, यहाँ पर 90 आ जाएगा। देखिए 30-30 का डिफरेंस है, एक लाइन छोड़ेंगे ये वाली, जब यहाँ से आप आएगी तो यहाँ पर ये आसाम जो है ईस्ट में यहाँ पर पड़ जाएगा धुबरी।
कहां पर है तो हम बहुत ही आसानी से वेरी इजली आई कैन फाइंड आउट द प्लेस वेयर दैट इज लोकेटेड। तो किसी स्थान की सही लोकेशन हम लोग ऐसे समझ गए